इस धरती पे काफी ज्यादा रहस्य है जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। कुछ रहस्य टाइम के साथ हमारे सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला तुर्की से सामने आया था, जहाँ एक शख्स अपनी घर की मरम्मत का काम करते वक्त उसे सुरंग दिखाई दी और वो सुरंग के अंदर चलते चला गया, पर उसे आखिरी छोर नजर न आया। ये 11 मंजिला सुरंग 4 किलोमीटर में फैली, इसमें करीबन 20,000 लोग रहा करते थे। बता दें, तुर्की के कप्पाडोसिया के डेरेन्क्यू में एक ऐसी सुरंग जिसमें सैकड़ों साल पहले लोग रहा करते थे। खास बात यह है कि लोग इसके अंदर हर उस चीज़ का निर्माण कर दिया था जो लाइफ को आसान बनाती है। जानकारों के मुताबिक सुरंग को इस तरीके से बताया गया, भूकंप का भी असर इस पर नहीं पड़ता। ये 11 मंजिला, वहीं इसके अंदर 400 प्रवेश द्वार भी। लोगों को सुख सुविधा को देखते हुए सुरंग के अंदर ही चर्च, बाथरूम, कब्रस्तान ये भी बनाए गए और इनके मवेशी भी सुरंग के अंदर रहा करते थे। लगभग इसकी गहराई 200 फीट बताई जाती है। हजारों साल पहले दुश्मनों के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया था, उसमें छुप गए थे। 700 से 800 ईसा पूर्व में बनी थी इस सुरंग। टर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक इस सुरंग को लगभग 700 से 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैली हुई थी। डिपार्टमेंट की माने तो इस क्षेत्र में प्राचीन ज्वालामुखी मुलायम चट्टाने है। संभव चट्टानों को मुलायम होने की वजह से ही लोगों ने इसे खोदकर सुरंग बना दिया और इसमें रहने लगे। बिल्डिंग की तरह बने थे घर के कमरे, ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर घर बने थे। इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। वहीं प्रवेश द्वार पत्थर दरवाजे भी लगे हुए थे, जो 1 से 1.5 मीटर लंबे और 200 से 500 किलो वजनी थे।